अधिक जानकारी देते हुए एबीवीपी के सोलन इकाई सचिव शुभम ठाकुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि एबीवीपी किसी भी दल की चाटुकारिता नहीं करती, बल्कि वे छात्रों के हितों को सर्वोपरि मानती है। प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, यही वजह है कि उन्होंने आज कॉलेज में उग्र आंदोलन किया और उनका ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। मौके पर पहुंचे तहसीलदार गुरमीत सिंह नेगी ने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला कि कॉलेज में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने बताया कि एबीवीपी के पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है जिसे वे मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेज रहे हैं। हाँ, मुझे 10:30 बजे मुझे कॉल आई थी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से इन्होंने एबीवीपी ने कुछ स्ट्राइक से किया है, तो जिसे जैसे मुझे तुरंत पता चला कि मैं यहाँ पे आ गया था। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने कुछ डिमांड्स रखी है जो गवर्नमेंट के लेवल की, जिन्होंने मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब के लिए भेजी है। हमने मैंने ज्ञापन रिसीव कर दिया है, सेकेंडली सेम टाइम मैं फॉरवर्ड कर दूँगा थ्रू प्रॉपर चैनल DC साहब के थ्रू गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री साहब को भेज दी जाएगी। सोलन पुलिस ने चिट्टे की तस्करी में एक और विदेशी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये इस मामले में पुलिस द्वारा पकड़ा गया दूसरा विदेशी तस्कर है। इस नशे के सौदागर को पुलिस ने दिल्ली की द्वारका से गिरफ्तार किया है। बीते दिनों धर्मपुर पुलिस द्वारा नाके के दौरान अर्की के युवक से 13.95 ग्राम चिट्टे की खेप सहित गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने 29 वर्षीय इनोसेंट ओलू चकबू जो नाइजीरिया से है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इससे पहले 35 वर्षीय स्टीफेन चिंडुबेम अली नाइजीरिया को गिरफ्तार किया गया था। मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक सोलन मधुसूदन शर्मा ने कहा कि सोलन पुलिस करीब एक वर्ष में अब तक 10 विदेशी मूल के नागरिकों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस को नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक टोटल 10 विदेशी मूल के व्यक्ति जो हैं, वो चिट्टा या मादक पदार्थों के अधिनियम के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया है और हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। इस साल अब तक 63 मुकदमे नशे के संदर्भ में दर्ज किए जा चुके हैं और हम नशे के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखेंगे। मेरा सोलन की जनता से ये अनुरोध है कि वो हमें सूचना देते रहें और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सोलन के गुरुकुल स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गुरुकुल स्कूल के अध्यापक जहां एक और शिक्षा देकर अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर रहे हैं, वहीं आज उसके साथ साथ उन्होंने रक्तदान कर जरूरतमंदों के जीवन में छाए अंधेरे को भी दूर करने का सराहनीय प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने हुनर का लोहा मनवाया। अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि आज गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं 17 स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। उन्होंने बताया कि वे हर वर्ष स्वर्गीय सविता गर्ग को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आए हैं। इस वर्ष भी करीबन 40 यूनिट रक्तदान किया गया है। उन्होंने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और देश के सभी नागरिकों को रक्तदान करना चाहिए। साथ के बाद कंटिन्यू 2019 तक 12 सेशन ये हो गए हैं। हर साल 30 से 40 यूनिट ब्लड लिया जाता है और हॉस्पिटल में इसे दिया जाता है। उन्हीं की समृति में ये सारा प्रोग्राम होता है। 6 सितंबर 2007 में मेरी मदर का देहांत हुआ था, जिनका नाम था श्रीमती सविता गर्ग। उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए हम लोग यहाँ पे आज गुरुकुल स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप और ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ऑल ओवर सोलन डिस्ट्रिक्ट से स्कूल आते हैं। इस बार हमारे पास यहाँ पे अराउंड 20 स्कूल्स आए हैं
ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और जो ब्लड डोनेशन कैंप है उसमें हमारे पास अराउंड 40 डोनर्स आते हैं, और उनमें 40 डोनर में एक डोनर मैं भी हूँ। मैं पिछले 12 सालों से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, और आई गेस इट्स अ नोबल कोर्स, सबको करना चाहिए, और रक्तदान महादान।